नमस्कार। जो समास का टॉपिक चल रहा है आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आज समास लेते हैं तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। यहां तत्पुरुष का अर्थ होता है दूसरा पुरुष। देखिएगा, ये समास जो है इसमें क्या होगा, ध्यान रखना है, द्वितीय पद क्या होगा, प्रधान होगा। द्वितीय पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो प्रथम पद क्या होगा, गौण होगा। ध्यान रखना, प्रथम पद गौण होगा। यानी जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि विभक्ति चिन्ह, अब आप जानते हो कारक, आपने पढ़े होंगे ना कारक। कारक कितने होते हैं, हमारे एक टॉपिक आएगा कारक अलग से, जब मैं पढ़ाऊंगा उसको, जब तक आपको समझ में आएगा। लेकिन आप जानते हो कारक सामान्यतः 8 होते हैं, यानी कर्ता से लेके संबोधन तक। तो शुरू का कर्ता हटा दो और लास्ट का संबोधन हटा दो तो कितने बच गए, 6। यानी विभक्ति चिन्ह के लोप के आधार पर बेटा तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6। ये ध्यान रखना है। यानी कर्म तत्पुरुष, कौन सा, कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। चौथा अपादान तत्पुरुष। और पांचवा है तुम्हारा संबंध तत्पुरुष। और छठा है तुम्हारा अधिकरण तत्पुरुष। ध्यान रखने वाली बात है, यानी विभक्ति चिन्ह के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, 6। विभक्ति चिन्ह के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। और इस आधार पर तत्पुरुष जो समास है उसको व्यधिकरण तत्पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, मैंने आपको बताया कारक कितने भैया, कारक 8 है। तो कर्ता को हटा दो, संबोधन को हटा दो, तो यानी विभक्ति चिन्ह के लोप के आधार पर कर्म से लेकर अधिकरण तक ये तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। अब आपको याद होना चाहिए कि प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं परसर्ग। क्या बोलते हैं, परसर्ग, या हमारे हिंदी में बोलते हैं उसको परम प्रत्यय। क्या बोलते हैं उसको, परम प्रत्यय। देखिएगा, वो कारक जब टॉपिक चलेगा उसमें बताऊंगा ज्यादा। कर्म का क्या विभक्ति चिन्ह, को, परसर्ग को। यहां करण का क्या होगा, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है। अब ये जो होंगे इनमें से ये सामासिक पदों के बीच में से इसका लोप हो जाएगा, ये विभक्ति चिन्हों का, ध्यान रखने वाली बात है। देखिए मैं समझाऊं कैसे। सबसे पहले लेते हम कर्म तत्पुरुष। कौन सा लेते हैं, कर्म तत्पुरुष। देखिएगा, कर्म तत्पुरुष जो है, अब दिमाग लगाइए, विभक्ति चिन्ह क्या बेटा, को, ध्यान रखना है को। कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, को, या परसर क्या हो गया, को। अब यहां परिभाषा बनेगी तो यह लिखना होगा, ऐसे सामासिक पदों के बीच में से को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। कौन से विभक्ति चिन्ह का, को। ऐसे सामासिक पदों के बीच में से को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अब देखो कैसे, मैं बताऊं, जैसे लिख दिया मैंने यहां पर कबर तोड़। अब गौर से समझना, ये है तो तत्पुरुष ही, लेकिन तत्पुरुष में भी मैं आपको ज्यादा भेद बता रहा हूं, बोर्ड में तत्पुरुष ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। कमर तोड़, तो यहां पर क्या आएगा, कमर को तोड़ने वाला,
आप देखिएगा को आया है, आया कि नहीं आया, को आया ना विभक्ति चिन्ह को। अब इनको जब मिलाएंगे, जब इनको यो मिलाएंगे इधर से यो, ये समास विग्रह है, और जब सामासिक पद बनाएंगे तो कर्म इज गो, यानी को इज गो, को का लोप हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसके लिए ध्यान रखना है ट्रिक, तोड़ फोड़, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, दांत तोड़, दांत को तोड़ने वाला, आंख फोड़, आंख को फोड़ने वाला, तो को विभक्ति चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। देखिएगा मैं और बताऊं आपको, यहां पर कि सर्वज्ञ, क्या लिखा है मैंने, सर्वज्ञ। अब यहां लिखना है सर्व, सर्व यानी सब, को जानने वाला, आया कि नहीं आया को देख लो, आया कि नहीं आया को आ गया। और देखिएगा दिल तोड़, क्या आएगा, दिल को तोड़ने वाला, क्या आया भैया विभक्ति चिन्ह को। तो यहां को का क्या हो रहा है भाई साहब, लोप हो रहा है, आ गया साहब पाप हर, तो क्या आएगा पाप को हरने वाला, तो को का लोप हो जाए। तो ध्यान रखना कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अगला देखेंगे हम, अगला जो है, ऐसे हम छह पढ़ेंगे, पूरे पूरे हम छह पढ़ेंगे। अगला है करण तत्पुरुष, कौन सा है बेटा, करण तत्पुरुष। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी भैया, ऐसे सामासिक पदों के बीच में से या के द्वारा, ऐसे सामासिक पदों के बीच में से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। ऐसे सामासिक पदों के बीच में से के, वो सॉरी से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे लिख दिया अकाल पीड़ित, अब क्या आएगा करो विग्रह करोगे क्या आएगा, अकाल से, देखो आ गया ना से पीड़ित, ठीक है आ गया साहब जी तुलसी कृत, तो क्या आएगा तुलसी द्वारा, तुलसी का मतलब तुलसीदास जी द्वारा, कृत, कृत का मतलब होता है बेटा रचित, कृत का मतलब क्या होता है रचित, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका विभक्ति चिन्ह ही आपका यहां इसका लोप होगा, ये ध्यान रखना है। लिख दिया साहब जी रेल यात्रा, तो आएगा रेल द्वारा यात्रा, ये बिल्कुल देखिएगा आपका यहां मिल रहा है रेल द्वारा यात्रा, बिल्कुल। अश्रु पूर्ण, अश्रु से पूर्ण, मन चाहा, मन से चाहा, ये सब आपको यहां मिलने वाले, विशेष रूप से ध्यान रखे, दो आपको आज समझाए, ठीक है समझ में आगे होंगे।